I want Rizvi to be on the team. Rather, he shall go and get Ratan his Shatta, done at the earliest. Let him speak. I am on the subject. Mr. Rizvi, मैं चाहता हूँ इस डिबेट पर आप इस डिबेट पर मिस्टर रिजवी तस्लीम रहमानी को अपने प्रपोजल के बारे में बताएं. लेट मी सी इफ यू अंडरस्टैंड योर प्रपोजल और वेदर आई रिपोर्टेड करेक्टली. गो अहेड. देखिए, हमने जो एक प्रपोजल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भेजा है, दो तीन दिन पहले भेजा था ये, और उसमें मैंने उनसे एक सवाल किया है, क्या कब्जा की हुई जगह पर, यानी कि कब्जाई हुई जगह पर, या किसी से छीनी हुई जगह पर, या किसी की इबादत गाह को तोड़कर कोई इबादत गाह अगर बनाई जाती है तो क्या वहाँ इबादत जायज है, मुस्लिम इस्लामिक किसी भी फिरके के हिसाब से, इस्लाम में जितने भी फिरके हैं उनमें किसी के हिसाब से क्या वहाँ इबादत जायज है. अगर है तो ठीक है, आप अपनी उस शरीयत को मानिए और आप उस पर कायम रहिए, लेकिन इसको आपको प्रूफ करना होगा कि ऐसी जगहों पर इबादत कैसे और कहां पर लिखा है कि जायज है. हमने उनको एक नौ मस्जिदों की लिस्ट भेजी है जिसमें हमने उनको यह लिखा है इतिहासकारों के अनुसार, जो इतिहासकारों ने हिस्ट्री में लिखा है कि किन किन मुगल बादशाहों ने या किन किन सुल्तानों ने इन मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिदें बनाई हैं. वैसे तो बहुत से मंदिर तोड़े हैं. तस्लीम रहमानी, लॉ की लिस्ट मिल भी इन लोगों से, आप आपको चाहिए था कि आप जाते जड्डे मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए. मैं अपना मुझे अपना प्रपोजल रखने का इख्तियार है रहमानी साहब, मुझे अपना प्रपोजल रखने का इख्तियार है. मैंने अपने इख्तियार से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष के सामने अपना प्रपोजल रखा है जिसमें ये बात कही है कि ये नौ मस्जिदें हम लिख रहे हैं, और भी अगर ऐसी मस्जिदें हो तो उनको हिंदू समाज को दे देनी चाहिए. नमाज जायज है या नहीं? No, he's asking बाबरी मस्जिद कब्जा करके नहीं बनाएगी, नहीं कीजिएगा. सवाल भी पूछा है, नहीं दिया आपने फतवा पूछा, सवाल भी पूछा है और उन मस्जिदों की डिटेल भी दी है. मैंने कहा आपने तस्लीम रहमानी साहब उन मस्जिदों की डिटेल भी दी है और सवाल भी पूछा. सवाल का जवाब दिया जा चुका है, इस सवाल का जवाब सारे हिंदुस्तान को मालूम है. आपने सवाल भी पूछा है और जवाब और डिटेल भी दी है. दोनों चीजें हमने अपने प्रपोजल में दी हैं और उनसे ये गुजारिश की है कि आप अपनी जब बैठक करें तो उस बैठक में हमारे इस प्रपोजल को. One second. Let me explain. Mr. Rizvi, now thank you. Tasleem Rehmani, you both opened the debate.